भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। एक नई जगह ले जाकर उस पूरन का एनकाउंटर जरूर करूंगा और उसके बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिक्कत यह है कि अदालत में तुम्हारे लिए कोई वकील नहीं होगा। तो अब सारा खेल बस आज रात भर का। अपने माफी मांगने का सही समय बता दो मुझे, मैं तुम्हारे लिए एक विशाल सा मंच बनवा दूंगा। आसपास के गांवों से लोगों को बुलवा लूंगा, फिर उन सब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए, आज तक तुमने जो कुछ भी किया है ना हमारे विरुद्ध, उन सब के लिए माफी मांग लेना। ये कोर्ट सिर्फ कोर्ट नहीं है, बल्कि हमारा विश्वास है कि भीम हार नहीं सकता, वो हारने के लिए नहीं बना है। अच्छा है कि ये लोग भीमराव को विश्वास का कोट पहना के भेज रहे हैं, ताकि भीम जब लौट के आए तो न सिर्फ केस हारे बल्कि ये लोगों का विश्वास भी हार जाए। कैसे गिरे हुए इंसान हो? अरे तुम्हारे आपके सामने तुम्हारे दोस्त ने उस भीमराव को गले लगाया, अरे एक ईंट उठाकर मार क्यों नहीं डाला उसे? साहब वो मेरा दोस्त था, उसे कैसे मारता? लेकिन उसे कह के आया हूँ कि आज के बाद हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। जब तक तुम अपना शुद्धिकरण नहीं करवा लेते, ना ही तुम मुझसे मिलोगे और ना ही तुम मेरे सामने आओगे। अरे उसकी तो अब हिम्मत भी नहीं होगी कि वो यहाँ आए। तुम्हें कभी अवसर मिले तो यहाँ पकड़ कर लाना, चार थप्पड़ खींच कर मारूंगा तो मन शांत होगा। आ गया साहब। मार लीजिए थप्पड़, लेकिन थप्पड़ मारने नहीं दूंगा। निकलो यहां से, तुम्हारे लिए यहां नौकरी नहीं है। महीना खत्म होने वाला है, मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, चला जाऊंगा। मेहनत करने वाला आदमी हूं, कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। एक पैसा भी नहीं मिलेगा, निकलो यहां से। ऐसे नहीं जाऊंगा, चाहे जो कर लीजिए। मतलब कि तुम भीमराव से गले क्या मिल लिए? तुम उसकी भाषा बोलने लगे? अरे मालिक से ऐसे बात करते हैं? हक की बात कर रहा हूँ। निकालो इसे यहाँ से, नहीं तो तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगा। तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में मालिक मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हें लालच देकर मेरे खिलाफ भड़का रहे। जल्दी निकालो। देखो मैं आराम से कह रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब तो चाहे जो हो जाए, बिना पैसे लिए नहीं जाऊंगा। चल निकल यहाँ से। दोस्त हैं हम, ऐसे धक्के मत दो, नहीं तो मैं भी धक्का दूंगा। क्या बोला तू? हमें धक्का देगा तू? चल धक्का देकर दिखा। वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे। अरे सेठ जी, क्या हो गया इसे? कर छोड़िए, एक बढ़िया खबर लेकर आया हूं मैं। वो भीमराव आज फिर से कोर्ट गया है, उन्हीं वकीलों से फिर से मदद मांगने। अरे जिन्होंने पिछली बार उसे भगा दिया था, बुरी तरह से दुत्कार की।
मैं तो कहता हूँ सेठ जी, हम भी कोर्ट चलते हैं, मजा आएगा। उस भीमराव को फिर से रोता गिड़गिड़ाता देखकर। फिलहाल तो इसे देखिए, भीमराव का समर्थन कर रहा था, कल तो उसे गले भी मिला था, इसीलिए घायल कर दिया। अच्छा, अब समझ में आया मुझे। एकदम सही किया सेठ जी आपने, बिल्कुल सही। इस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, तो लात तो पड़ेगी ना। और वो कहते हैं ना, भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा पड़ जाता है। अब ये हमारी ऊंची जात का होकर उस भीमराव को गले लगकर आएगा तो महंगा तो पड़ेगा ना। मदन, तुम दोनों उठाओ इसे और बाहर फेंक दो। चलो उठाओ। बड़ा आया पैसे मांगने वाला। तो सेठ जी चला जाए, इस बात की खबर दरोगा को भी दे देंगे। चले चले। सर सर, मुझे आप वकीलों से मदद चाहिए, मदद की जरूरत है मुझे। सर मुझे आप वकीलों से मदद चाहिए, कोई तो वकील मेरी मदद कीजिए। सर वकील साहब, मुझे आप सबसे मदद चाहिए, मुझे वकील की जरूरत है, कोई तो वकील मेरी मदद कीजिए, कोई सुन नहीं रहा है। सर आप वकील हैं, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद की जरूरत है। सर सर मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मुझे मदद की जरूरत है, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। क्या नाटक है ये सब? हमने कल तुम्हें कहा था ना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर भी बात समझ में नहीं आई, हटो रास्ते से। मुझे आप सबकी मदद की बहुत जरूरत है सर। सर मेरी बात सुनिए। सही। एकदम सही, ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहो सबके सामने। चाहो तो किसी के पैर वर पकड़ लो, शायद कोई पिघल ही जाए। अच्छा लग रहा है भीमराव, अच्छा लग रहा है तुम्हें सबके सामने ऐसे जलील होता देखकर। अच्छा लग रहा है मुझे। तुम ऐसे ही सबसे दया की भीख मांगते रहो और हम मजे से ये मिठाइयां खाते हुए इस मनोरंजक खेल का आनंद लेते रहेंगे, क्यों सेठ जी? अरे मिठाई खिला रहे सारे वकीलों को। आप ये क्या कर रहे हैं वकील साहब? ये मिठाई खाने का समय नहीं है, मेरी मदद कीजिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने। सर सर आप लोग तो मेरी बात सुनिए ना, ये लड्डू खाने का समय नहीं है, आप सुनिए ना सर मेरी बात। सर आप तो दया दिखाइए, आप वकील हैं, आप बड़े वकील हैं, मुझे जरूरत है आपकी। अरे किसी और को देखो। अरे आप सब आराम से मिठाई का आनंद लीजिए, कहाँ इस फालतू आदमी पे ध्यान दे रहे हैं। खाइए खाइए। ऐसे वकील है ये सब, भीम के इतने निवेदन करने पर भी नहीं सुन रहे। और तो समय भी हो गया सुनवाई का, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, उम्मीद रखते हैं। ले चलो इसे। चलो जल्दी। ले जाओ अंदर इसे। पुरंदा का आप चिंता मत कीजिए, मैं लड़ूंगा आपके लिए, जब तक जान है तब तक लड़ूंगा आपके लिए और आपको न्याय दिला कर रहूंगा, और इन वकीलों से मदद की गुहार भी करता रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ पुरन, तू चिंता मत कर, अब तेरे और तेरे जैसों की चिंता ही खत्म हो गई है, क्योंकि अब तेरे इस भीमराव अंबेडकर साहब को या किसी भी वकील से कोई भी मदद नहीं मिलने वाली है।
शाबाश बेटा। लेकिन मैं मेरी जिद नहीं छोड़ूंगा, यही कोर्ट के सामने आमरण अनशन पर बैठूंगा। ये तो तुम कर सकते हो, बचपन से लेकर आज तक यही तो करते आए हो ना। पर तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता देता हूं तुम्हें, तो सातारा जैसी छोटी जगह पर तुम्हारा ये दांव पे चल जाता होगा, यहाँ बंबई में इससे कुछ नहीं होने वाला। मेघनाथ जी, आज यहाँ भीमराव धरने पर नहीं बैठेगा, आज यहाँ न्याय की मांग करने वाला एक व्यक्ति धरने पर बैठेगा, और वो भी इस अदालत के सामने जहां से न्याय मिलता है, वो भी इन वकीलों के सामने जो न्याय देने का काम करते हैं। और हाँ, सतारा में किसी को न्याय नहीं मिला, ये दुख की बात हो सकती है, लेकिन यहां बंबई में किसी को न्याय नहीं मिला, ये शर्म की बात है। मैं आजाद हूं या ना हूं, मगर भीम, तुम्हारी इस लड़ाई से बहुत से लोग अन्याय के बंधन से आजाद होंगे। अरे कोई है कि नहीं यहाँ ये सब देखने वाला? ये आदमी बीच रास्ते में बैठ गया है हमारा रास्ता रोककर। बताइए अब हम कोर्ट में कैसे जाएंगे अपने न्याय की सुनवाई के लिए? हा? अगर इसके पास से गए तो इसके परछाई से अशुद्ध हो जाएंगे ना हम। अरे समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, उससे भी बड़ी बात हद हो गई है, न्यायालय परिसर में आप सब वकीलों के सामने ये अदना सा आदमी हमें रोक रहा है और आप सब तमाशबीन बने खड़े हैं। अरे तमाशा देखना छोड़िए, अरे उठाइए इसे यहां से, देखिए मत उठवाइए। हाँ हटाओ इसे, खबरदार। हटाकर दिखाए भीमराव को, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं गोली मार दूंगा। वही रुकिए, कहां से लाया बंदूक? साहब के ऑफिस में रखी रहती थी और आज मेरे काम आ गई। बुलाएगा नहीं इसके बाद, पीछे कोई भीम को उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है तो करो सुरक्षा भीमराव की, तब तक मैं जज साहब का ऑर्डर लेके आता हूं। चलो वकील साहब। आज अगर पूरन काका को बंबई से बाहर ले जाने का फैसला आया ना, तो वो आपकी आप सबकी हार होगी। नहीं भीमराव, जीत हमारे जात की होगी और हार तुम्हारे विश्वास की। देखिए, मेरे पति के विश्वास को हराने के लिए आप न्याय का गला घोट देंगे क्या? साहब, हम सब भी आपसे आग्रह करते हैं, हमारी मदद कीजिए। हाँ, हमारी मदद कर दीजिए। हाँ, हमारी मदद कर दीजिए साहब, मदद कर दीजिए साहब। देखिए राम जी, ये लड़ाई सिर्फ न्याय की नहीं है, ये लड़ाई
हमारी जाति और हमारे स्वाभिमान की है, और जहां लड़ाई स्वाभिमान की हो वहां जीत के सिवा कुछ नहीं। कोई है पूरन का वकील? कोई है तो जल्दी कोर्ट में आइए। सुना भीमराव, वो अर्दली अभी क्या बोल कर गया? वो एक और आखिरी बार आएगा ये पूछने के लिए कि पूरन का कोई वकील है कि नहीं यहाँ पर, और अगर उसे सही जवाब नहीं मिला तो तुम्हारा खेल खत्म। हारने के लिए तैयार है ना? वैसे मैंने तुम्हारे माफी मांगने का सारा इंतजाम करवा दिया है, बस तुम्हारे आने की देर है। ए भीम, बहुत हो गया तेरा नाटक, अब ये कोट वोट उतार और चल माफी मांगने। Please be seated. डिफेंस का वकील कहाँ है? सर कोई डिफेंस भी नहीं है। सरकार की तरफ से आपको कोई वकील चाहिए? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा वकील बाहर लड़ रहा है, और वो मेरा ही वकील नहीं है, वो वकील है मेरे जैसे बहुत से लोगों का। ये केस वो शायद हार भी जाए, मगर वो जीतेगा एक दिन, और वो सबसे बड़े वकीलों में गिना जाएगा। किसकी बात कर रहा है ये, और कौन वकील है जो बाहर है? मिलॉर्ड, एक पागल है, और इसका ही तैसी है, और इस खूंखार का हितैषी कोई पागल ही होगा ना सर। नियम के अनुसार हितैषी को एक बार और वकील का मौका देना चाहिए। अगर कोई नहीं आता है तो फिर फैसला लिखते हैं। क्या हुआ भीमराव, सुनाई नहीं पड़ा तुम्हें मेरे बेटे शिशुपाल ने क्या कहा? क्या अभी भी तुम्हें कोई उम्मीद है कि कोई आएगा तुम्हारी मदद करने? चला उतारो अपना कोट, और दोबारा भूले से भी कभी ये कोट पहनने की गलती मत करना। अरे चलो, बहुत हो गया, उतारो कोट। पूरन का वकील आया क्या? जज साहब बुला रहे हैं। लो, तुम्हारा तो खेल खत्म। चलो चलो उठाओ। अरे बात कर लिया तुमने नाटक, कोट पहनूंगा, पूरन का केस लड़ूंगा। समय खत्म, उठ चला, उठ और खोलो अपना कोट। नहीं रमा, मैं नहीं जानता आज क्या होगा, मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा, मैं नहीं जानता, इसलिए ये कोट पहनकर मैं तुम्हारा और बाबा का विश्वास गिरवी नहीं रख सकता।
सही भीमराव, कोट पहनकर जरा अकड़ से गए थे तुम। अपनी हैसियत में आ जाओ तो अच्छा रहेगा। रुक जाओ भीमराव,